अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर भड़की आप, कहा दिल्ली सरकार गिराने के लिए आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही भाजपा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उनके घर रात को समर्थकों की भीड़ जुट गई। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रात को उनके घर पहुंचे। आप नेता संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित अन्य नेता अमानतुल्लाह के परिजनों से मिलने पहुंचे। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उनके घर रात को समर्थकों की भीड़ जुट गई। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रात को उनके घर पहुंचे। आप नेता संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज सहित अन्य नेता अमानतुल्लाह के परिजनों से मिलने पहुंचे। आप नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भाजपा हमारी पार्टी को तहस नहस करने में लगी हुई है, भाजपा दिल्ली सरकार गिराना चाहती है। उन्होंने कहा ये सब साजिश के तहत किया गया है, भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है, इसलिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन आरोपों में ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है वो बेबुनियाद और निराधार है। भाजपा देश में तानाशाही के तहत काम कर रही है, मामला 2016 से चल रहा। संजय सिंह ने कहा कि आपकी तानाशाही का अंत होगा प्रधानमंत्री जी, आपकी तानाशाही का अंत होगा भाजपा वालों, आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मामला 2016 से चल रहा है, इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, उसी चार्जशीट में अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी नहीं हुई, एसीबी के मामले में भी जमानत हुई, उसके बाद इस मामले में ईडी कूद पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को हिदायत दी कि आपके पास अमानतुल्लाह के खिलाफ 50 लोगों के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है। इन सब के बावजूद अब खबर आ रही है कि अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं, ईडी के पास अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करने का कोई आधार और सबूत नहीं है, उनके खिलाफ फर्जी, बेबुनियाद और झूठा मामला तैयार किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि ये मामला दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा चला रही है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, कभी हमारे मंत्री को नोटिस भेजते हैं, कभी हमारे विधायक को नोटिस भेजते हैं, कभी इनकी गिरफ्तारी और कभी उनकी गिरफ्तारी करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया, उन्हें शुगर है, जेल में अंदर उन्हें दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।